दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक और वर्क डिस्कस करेंगे, अ फेयरवेल टू आर्म्स। इससे पहले सन ऑल्सो राइजेस को भी कवर कर चुका हूँ, इनका बहुत ही फेमस वर्क है वो भी। दोस्तों ये भी बहुत ही फेमस वर्क है, इसको 1928 में लिखा गया था, 1929 में इसको पब्लिश करवाया गया था। फर्स्ट पर्सन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये एक वॉर नोवेल है। इसके अलावा ये वर्क जो है इस पर 3 बार फिल्म बनाने का भी फैसला लिया गया। ये वर्क बहुत ही फेमस है लिटरेचर के अंदर, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी तब की है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, 1916। इटालियन आर्मी कोशिश कर रही थी कि वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी की यूनाइटेड फोर्सेस को रोक सके। तो इस कहानी का नैरेटर है दोस्तों फ्रेडरिक हेनरी। ये एक अमेरिकन है और इसने वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन कर लिया है इटालियन एम्बुलेंस की लाशों को उठाने का जो काम करती है, एज अ वॉलंटियर ये वहाँ पर काम करता है। अब ये नोवेल शुरू होती है तब से जब विंटर्स चल रही थी, सर्दियों का सीज़न था, सर्दियों के सीज़न में इतनी लड़ाई नहीं होती, तो ये छुट्टियाँ ले लेता है। और शाम के टाइम पर इसके कुछ साथी ऑफिसर साथ में बैठे हुए थे, तो इनकी रेजिमेंट में एक प्रीस्ट था जिसकी शादी नहीं हुई थी, तो ये सब लोग मिलकर उसके मज़े ले रहे थे। फिर ये लोग उस रात एक ब्रॉथल में भी गए, मतलब कि एक वैश्यालय टाइप का, फुल मज़े कर रहे थे उस रात को। अब हेनरी जब अपनी छुट्टियों से लौट कर आया तो उसका एक रूम मेट था रिनाल्डी, उसने इसको 2 इंग्लिश नर्स से मिलवाया, पहली तो कैथरीन दूसरी हेलन। और ये रिनाल्डी खुद इस लड़की इस नर्स कैथरीन में इंटरेस्टेड था, लेकिन कैथरीन की केमिस्ट्री हेनरी के साथ में बैठ गई, इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री बैठ गई। और फर्स्ट मीटिंग में ही इस कैथरीन ने अपनी एक सैड सी स्टोरी इस हेनरी को सुनाई कि इसका फियांसी लड़ाई में मारा गया था और वॉर में मारा गया था, और उसकी कोई निशानी ये अभी तक अपने साथ में लेकर घूम रही है। अब टाइम गुजरता गया, इन दोनों की फ्लर्टिंग बढ़ती गई, मतलब इन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। हेनरी को उससे किस तक मिलने लगे, लेकिन वो उससे बोलती है कि बोलो तुम मुझे लव करते हो, प्यार करते हो, ताकि मैं समझ जाऊँ कि तुम कोई, मैं श्योर हो जाऊँ कि तुम मेरे साथ कोई गेम नहीं खेल रहे हो। अब दोस्तों क्या होता है, थोड़े टाइम बाद कहानी में ये हेनरी को अपनी पहली मेजर लड़ाई लड़ने का मौका मिलता है, उसमें इसने हिस्सा ले लिया। अब लड़ाई होती है, उस दौरान क्या होता है, ये चुपचाप अपने बाकी एम्बुलेंस ड्राइवर्स के साथ मिलकर मैक्रोनी और चीज़ खा रहा था, तभी अचानक एक मोटर शैल आकर इनके बंकर से टकराता है। ड्राइवर जो था इनके बंकर का, वो ऑन द स्पॉट मर गया और हेनरी के पैर में इंजरी हो गई। तो इसे मिलान के एक अमेरिकन हॉस्पिटल में ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए, और उस हॉस्पिटल में जाकर इसको क्या पता चलता है कि इस हॉस्पिटल को तो ठीक से मैनेज नहीं किया जाता, डॉक्टर्स भी कोई काम के नहीं है। लेकिन उन सब डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर था वैलेंटिनी नाम का, जो उसके पैर में से स्ट्रैपनल निकाल सकता था। उसके थोड़े टाइम बाद इसकी हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा, और इसके लिए एक अच्छी खबर आई इसी बीच में, वो जो नर्स थी कैथरीन उसका इसी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हो गया है, तो हेनरी को उसे दोबारा देखने का मौका मिलेगा। अब की बार हेनरी को उस नर्स कैथरीन से मिलकर ये रियलाइज़ हुआ कि वो कैथरीन से प्यार करने लगा है। रात के टाइम पर वो क्या करती थी, हेनरी के रूम में चोरी छुपे आ जाती थी, और पूरे समर इन समर के सीज़न में इनका लव अफेयर चलता रहा। तभी अचानक इसको फिर से फ्रंट पर लौटना पड़ा, मतलब इसका बुलावा आ गया फ्रंट पर जाने के लिए। लेकिन इसके जाने से पहले कैथरीन ने इसको बताया कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब इसी से ही प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद में हेनरी जाता है जॉर्जिया लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ाई में शामिल हो जाता है। ऑस्ट्रियन और जर्मन आर्मीज़ इटालियन लाइंस तोड़ रही थी, फ्रंट फोर्सेस भी पीछे हटने लगी थी, मेन रोड को ब्लॉक कर दिया गया था बहुत सारी गाड़ियों से, और बाकी के ड्राइवर्स भी बहुत सारी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लोग कीचड़ में फंस गए थे। फिर इनके साथ में उस वक्त 2 सर्जेंट थे, वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे हेल्प करने के बजाय, तो हेनरी ने उनको शूट किया। एक को तो गोली लग भी गई, लेकिन दूसरा एम्बुलेंस का ड्राइवर था इसके साथ में, उसने 1 सर्जेंट के सर पर गोली मारी तो वो मर गया। फिर ये लोग टैग्लेमेंटो रिवर के पास में पहुंचे, तो इन्होंने क्या देखा, इटालियन मिलिट्री पुलिस का एक घेरा था जो अपने पागलपन में खुद ही के मिलिट्री ऑफिसर्स को मार रहा था, जो ऑफिसर्स फ्रंट से पीछे हट गए थे। तो हेनरी ने क्या किया, उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए रिवर में डाइव लगा दी,
और उसके बाद ये मिलान पहुंच गया। वहां जाकर इसने फैसला किया कि अब ये इटालियन आर्मी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, इवन ये तो वार में भी हिस्सा नहीं लेगा, किसी भी वार में हिस्सा नहीं लेगा। फिर इसको क्या पता चला कि कैथरीन एक इटालियन टाउन स्रीसा में है जो कि स्विस बॉर्डर के पास में है, स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास में है। वहां जाकर ये कैथरीन से मिला, तभी इसको पता चला कि मिलिट्री पुलिस इसको पकड़ने आ रही है इसकी भगोड़ी हरकत के लिए, कि ये अपने काम को छोड़कर भाग के कैसे आया, इस तरह से इसको अरेस्ट करने आ रही है। तो इसने क्या किया, कैथरीन को साथ में लिया और स्विट्जरलैंड भाग गया। वहाँ इसको टूरिस्ट पास भी मिल गया और रहने के लिए वीज़ा भी मिल गया। ये वहाँ बहुत ही क्वाइट स्काई टाउन में रहते थे, अपने बच्चे का होने का इंतज़ार कर रहे थे। हॉस्पिटल के पास ही के टाउन में ये हॉलीडे मनाने गए। तभी कैथरीन को जब हलचल शुरू हुई उसके पेट में, तो इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन टाइम के साथ कैथरीन की कंडीशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस होती जा रही थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने का फैसला किया, लेकिन बच्चा स्टिलबॉर्न पैदा हुआ, इसका मतलब मरा हुआ पैदा हुआ, और कैथरीन भी बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से गुजर गई। इसके बाद दोस्तों लास्ट सीन ये था कि बारिश हो रही थी, उस बारिश में हेनरी अकेला होटल की तरफ चलकर जा रहा था। ये थी पूरी कहानी, इसी के साथ नोवेल ख़त्म होती है। अब दोस्तों इस नोवेल के अंदर कुछ थीम्स हैं, वॉर, लव और लॉस, रियलिटी और फैंटेसी, सेल्फ वर्सेस ड्यूटी, मैनहुड और रिलीजन, ये सारी थीम्स इस नोवेल के अंदर फॉलो हुई है। यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, उनका अपनी रिकवरी के दौरान खुद एक नर्स से अफेयर था, ये मैं आपको बता देता हूँ चीज़। आई होप आपको नोवेल समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।